बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अपने प्रत्याशी हाजी आमीन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने से पहले चंद्रशेखर ने दलित महापुरुषों को नमन किया। इसके बाद चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर सत्ता चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना होगा। जनसभा में जोश भरने के लिए चंद्रशेखर बोले कि बुलंदशहर से यूपी की फिजा बदलेगी और अब गरीब का बच्चा भी जागेगा। सरकार पर तंज खाते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार पर विधायक खरीदने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन गरीब के लिए नहीं। चंद्रशेखर बोले कि गरीब की बेटी की आबरू सुरक्षित नहीं और इस पर सरकार चुप है। चंद्रशेखर बोले कि हाथरस की बहन के साथ ज्यादति को भूलेंगे नहीं, दलित की बेटी को जलाने वाली सरकार को भूलना नहीं। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने योगी सरकार निकम्मी, झूठी और जातिवाद को बढ़ाना देने वाली है। चंद्रशेखर बोले कि ये निकम्मी, झूठी और जातिवादी सरकार है, लोकतांत्रिक नहीं। चंद्रशेखर ने यूपी में असुरक्षा का माहौल बताया, जबकि बागपत में दरोगा की दाढ़ी रखने पर निलंबन की कार्रवाई को भी चुनावी मुद्दा बनाते हुए चंद्रशेखर बोले, बागपत में दरोगा को दाढ़ी रखने की आजादी क्यों नहीं? चंद्रशेखर बोले कि इसकी आजादी संविधान देता है, मगर फिर भी दरोगा की दाढ़ी कटवा दी गई। दलित को साधने के लिए चंद्रशेखर ने बुलंदशहर में दलित कार्ड खेलते हुए चंद्रशेखर बोले कि बैकडोर से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार संविधान खत्म करना चाहती है। राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर जनता से बोले कि आपको ट्विटर वाला नेता चाहिए या सड़क वाला नेता? आपको बता दे कि यूपी में होने जा रहे उपचुनाव में चंद्रशेखर ने बुलंदशहर सदर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है, जिसके समर्थन में चंद्रशेखर जनसभा को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंचे थे। देखिए, संदेश यहाँ की जनता को यही है कि इस भ्रष्टाचारी जातिवादी सरकार से, जो तमाम वर्गों के विरोधी, अगर जनता मुक्ति चाहती है तो आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट यहाँ है, जो बहुत ईमानदार है और सामाजिक जो है कैंडिडेट है, वो उनका वोटों का चुनाव चुना है। और आजाद समाज पार्टी के पहले उम्मीदवार है, 7 से 8 सीटों पर चुनाव है, 1 सीट पर हमने उम्मीदवारी की है और हम बड़ी मजबूती से उस पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीते हैं। लुभाने की जरूरत, जो लोग लुभाते हैं वो जनता का काम नहीं करते। हम लुभाएंगे नहीं, सच्चाई से वाकिफ कराएंगे और वास्तविक लोकतंत्र से जो है उनका सरोकार कराएंगे, जनता के मुद्दों पर बात करेंगे और जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।